हलका फिलौर च श्रोमणी अकाली दल बादल नूं उस समय सियासी बल मिलिया जदों लोक इंसाफ पार्टी दे साबका शहरी प्रधान करमजीत कम्मा अपने साथियों ते होर कई परिवार आपो अपनियां पार्टियां नूं अलविदा कह के हलका विधायक बलदेव सिंह खहरा की अगवाई विच अकाली दल विच शामिल हो गए। उक्त नेतावां ते परिवारां दा अकाली दल विच शामिल होण ते विधायक बलदेव सिंह खहरा ने जिथे निघा स्वागत किया उत्थे ही उन्हां नूं पार्टी दे सिरपाओ दे के सन्मानित भी किया। इस मौके विधायक बलदेव सिंह खहरा ने शामिल होए वर्करां नूं विश्वास दवाया कि उन्हां दा पार्टी विच बनदा मान ते सत्कार किया जाएगा। उन्हां कहा कि उक्त नेतावां ते परिवारां दे शामिल होण नाल अकाली दल नूं भारी मजबूती मिली है ते 2022 विच होण जा रहीआं विधानसभा दीआं चोणां विच अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई विच मुड़ तों पंजाब अंदर अकाली बसपा गठजोड़ दी सरकार बणेगी। सरकार बणन तों पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब ने नौजवानां दे नाल खास करके उह वादे कीते जिहड़े सानूं तां उदों वी पता सी नहीं पूरे होणे, पर जिहड़ा हुण पंजाब दे बच्चे बच्चे नूं पंजाब दे हर जी नूं पता वी जिहड़ा उन्हां नाल धरोह कमाया ते हुण जिहड़ा वो नौजवान ने वो सारे पंजाब दे विच जिहड़ा वो लामबंद हो रहे ने ते उसे ही लड़ी दे तहत जिहड़ा अज गुराया शहर विख भी ये जिहड़े नौजवानां ने भारी गिणती दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं जॉइन कीता ते मैं समझदा वी ये आने वाले टाइम दे विच जिहड़े नौजवान ने वो कांग्रेस सरकार दीआं जिहड़ां जड़ां वो पुठियां करनगे, क्योंकि झूठ ते बनी हुई सरकार तो अज बच्चा बच्चा वाकिफ है, हर वर्ग जिहड़ा दुखी है और 150 तो वध जिहड़े जो मुलाजम जथेबंदियां ने वो हर रोज़ धरनिआं ते हुंदियां हैं। तो लाइट दे प्रबंध नूं लै लो, डिवेलपमेंट नूं लै लो, लॉ एंड ऑर्डर नूं लै लो, पूरी तरह जिहड़ी सरकार है वह फेल है। पंजाब नाल पंजाब दे लोकां दे नाल उन्हां नूं कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ इक्को ही गल है भी किस तरह उन्हां दीआं कुर्सियां बजण। सो मैं तां जिथे सरकार की निखेधी करदा उहदे कम की उत्थे ही समुचे पंजाब वासियां नूं अपील करदा भी पंजाब दे भले दे लई लॉ एंड ऑर्डर नूं बेहतर बनाउण दे लई और डिवेलपमेंट दे लई और पंजाब नूं दुबारा लीहां ते लिआउण दे लई जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ की सरकार बनाओ ता कि इन्हां तों जिहड़ा हैगा निजात पाई जा सके। उधर शामिल होए नेतावां ने कहा कि वह पार्टी दीआं लोक मारू नीतियां तो दुखी हो के ही अकाली दल भी शामिल होए हैं। उन्हां कहा कि पार्टी ने औखी घड़ी विच उन्हां दा साथ नहीं दिता। उन्हां विश्वास दवाया कि वह अकाली दल की लोक पक्षी विचारधारा नूं घर घर विच पहुँचाउणगे। मैं अज अकाली श्रोमणी अकाली दल पार्टी ज्वाइन की आ ते इन्हां सारिआं ने मैनूं विश्वास दवाया कि असी सारे इकट्ठे हो के आने वाले आगामी इलैक्शन 2022 दे विच असी इकट्ठे काम करांगे ते सख्त मेहनत करांगे ते पंजाब दे विच दुबारा अकाली दल की सरकार बहुजन समाज पार्टी जो अपना गठजोड़ आ उसकी सरकार बनावांगे। मैं जी अज लोक इंसाफ पार्टी छड्ड के आया, मैं उस तकरीबन जी 2 साल प्रधान रहा तो घट्टो घट मैं ग्रैंड दे यानी कि हरेक मुद्दे नूं मैं टच किया, जिदा कह लो सफाई का कह लो, कूड़े का कह लो, ग्रैंड दे विच जे कोई आवारा पशुआं दा सीगा उहदे विच उहदा भी सीगा, उहदे खिलाफ़ भी लड़दे रहे हैं। पर पिछले साल जून महीने दे विच इक साडा ग्रैंड दे विच बिजली दा काफ़ी लंबा कट लग गया सी, जिहदे विच 16-17 घंटे नहीं लाइट आउण दे बावजूद तां असीं जदों उत्थे अगर पुछिआ मुलाजमां नूं तां उहनां ने सानूं कोई जवाब नहीं दित्ता। इस रोस वजों ग्रैंड वाले साथियों दे नाल रल के असीं उत्थे धरना लाता जी, तां उस धरने तों बाद ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ।